ये है मेरठ जिले का अछरौती गांव, जिसमें करीब 1000 परिवार रहते हैं। इन लोगों के लिए बिजली का आना एक सपने के पूरा होने की तरह है। जी हां, सौभाग्य योजना के तहत न सिर्फ इस गांव के घर रोशन हो रहे हैं, बल्कि इस गांव के लोगों की जिंदगी में भी काफी बदलाव आया है। तो बतेरा हो गया बिजली आए से, पहले नहीं आवे थे, रात को भी आने लगी, अब दिन को भी आने लगी। अब बालक जो पढ़े थे पढ़ने लगे, बालक भी पहले नहीं पढ़े थे, अंधेरा रहता, कीड़ा काटे का डर रहता, अब नहीं है। पूरे मेरठ जिले की बात करें तो आजादी के बाद भी करीब 30,000 घरों में अभी तक बिजली के कनेक्शन नहीं थे, जिसमें ज्यादातर गरीब परिवार थे। लेकिन सौभाग्य योजना के तहत मुफ्त में इन गरीब परिवारों को बिजली के कनेक्शन दिए जा रहे हैं। पहले जैसे अंधकार रहता था, अंधेरा भी नहीं है, और जो हमारे बच्चे भी समय पर लाइट में पढ़ रहे हैं, और हमारा जो है रोशनी का हमें इतना हुआ है, मोदी जी ने जो यो हमारे लिए सुविधा करी है, बहुत अच्छा करा है। केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि ग्रामीण इलाकों में घरों की और सिंचाई के लिए ट्यूबवेल की बिजली की लाइनें अलग अलग हों, ताकि किसानों को खेती के लिए समयबद्ध और पर्याप्त बिजली मिल सके। एग्रीकल्चर फीडर के लिए हम लोग डेडिकेटेड फीडर बना रहे हैं, जिससे केवल कृषि कार्य के लिए बिजली दी जाएगी वहाँ पे। दूसरा है जो गांव की एलटी की जर्जर लाइनें हैं, जैसे ही सौभाग्य योजना में संतृप्तिकरण का काम कनेक्शन देने के मामले में पूरा होगा, ये सारे गांव में जिनकी जो भी बेयर कंडक्टर हैं उनको हम एबीसी से बदलेंगे। इस स्कीम में एक तार जो कि 30 से 40 मीटर तक हो सकता है, जिसका कनेक्शन खंभे से होगा मीटर तक, मीटर बोर्ड स्विच बोर्ड जिसमें दो स्विच लगेंगे, एक सॉकेट लगेगा, एक एलईडी बल्ब और 3 मीटर की इंटरनल घर के वायरिंग, ये मुफ्त दी जा रही है। इसके लिए किसी को एक भी पैसे के देने की आवश्यकता नहीं है, जो गरीब लोग हैं। इस समय आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो गांव बचे हुए हैं, जो घर बचे हुए हैं, वहां पर खंभे लगाने का काम और लाइन खींचने का काम तेजी से चल रहा है, और आने वाले कुछ समय के अंदर ये विद्युतीकरण का काम पूरा कर लिया जाएगा। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से केंद्र सरकार की योजना चली है सौभाग्य योजना के तहत, ये काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, और सरकार का मकसद यही है, बिजली विभाग का मकसद यही है कि वर्ष 2018 के अंत तक पूरा देश जो है विद्युतीकरण हो जाए, पूरे देश के अंदर हर घर के अंदर बिजली पहुंच जाए। अपने कैमरामैन सुमित के साथ अनुज यादव, DD न्यूज़ मेरठ।